दोस्तों आज 9 फरवरी और 9 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और दोस्तों आज की जो अभी एग्जाम चल रही है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रही है, तो ये प्रीवियस ईयर के जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम वेरी हेल्पफुल हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे इसके लेखक? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप रट के जाए ताकि आपके एग्जाम बहुत हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, इन्हें गणेश प्रसाद मावलंकर, जीवी मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले देखिए, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी के नेता कौन थे? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कब की गई थी? गांधी जी, महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब की थी? दोस्तों 12 मार्च 1930 को की थी, 12 मार्च 1930 को। ये बहुत सी बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया तो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेट वे ऑफ इंडिया, दोस्तों गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ये कहाँ पे? मुंबई में। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, इंडिया गेट कहाँ पे? ये नई दिल्ली में। अब आपसे इंडिया गेट और गेट वे ऑफ इंडिया, ये इंडिया गेट अगर पूछे तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे? ये कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे? कोलकाता, ये भी अब याद रखें। और नेक्स्ट है, श्वेत हाथी की भूमि कौन सी? थाईलैंड। इन्हें सफेद हाथी का देश अगर कहा जाए तो थाईलैंड, कौन सा देश है? थाईलैंड। नेक्स्ट है, मालगुडी डैश पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, एक बाइट बराबर कितने बिट्स? तो दोस्तों एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी? 1911। कोलकाता से दिल्ली कब बनी? 1911 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती? वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती? ये दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण होती है, क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर ही रहूंगा, ये नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था, बाल गंगाधर तिलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, लास्ट है, आराम आराम किसने नारा दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने नारा दिया, ये नारा किसका था? महात्मा गांधी। थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी एजुकेशन चैनल बाय ML पर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।